माय डियर फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हल्दी के बारे में। हल्दी को कौन नहीं जानता। आमतौर पर इसे मसाला के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका बोटेनिकल नेम कर्कमा लॉन्गा है। इंग्लिश में टर्मेरिक के नाम से जाना जाता है। इसका मिजाज गर्म व खुश्क है। इसमें प्रोटीन, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स की भरपूर मिकदार के अलावा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक एलिमेंट्स वाले कई सारे दवाओं के खुसूसियत पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हल्दी का इस्तेमाल न सिर्फ सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से बचाती है और सेहतमंद बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि हमारी खूबसूरती को बढ़ाने में भी बेहद कारगर साबित होती है। आइए जानते हैं सेहतमंद और खूबसूरत बनाने वाली हल्दी के फायदे के बारे में। हल्दी के फायदे की बात करें तो हल्दी हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई यानी जिस्म के जहरीले पार्टिकल्स को बाहर निकालने का काम करती है। मेरीलैंड मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुताबिक हल्दी में पाया जाने वाला कर्क्यूमिन पार्टिकल्स गाल ब्लैडर में पित्त के मिकदार को बढ़ा देती है, जिससे टॉक्सिक बैक्टीरिया को बाहर करने में मदद मिलती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है और बार बार होने वाले मुहासे यानी पिंपल्स से आप परेशान रहते हैं, तो ऐसे में गुलाब जल के साथ हल्दी का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और सूखने पर ठंडे पानी से चेहरा धो लें। हफ्ते में 2 या 3 बार करने से मुहासों से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको मौसम, एलर्जी या किसी इन्फेक्शन की वजह से अचानक बाल झड़ने लगे हैं, तो ऐसे में आप कच्ची हल्दी के रस में चुकंदर की पत्तियों का रस मिलाकर बालों में लगाते हैं, तो कुछ ही दिनों में बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। हल्दी को आयुर्वेद व यूनानी में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए रामबाण माना गया है। इसका एक खास मिकदार रोजाना इस्तेमाल करने से जिस्म में मौजूद कैंसर को बढ़ाने वाली सेल को खत्म करती है। हल्दी पर हुए कई रिसर्च के मुताबिक इसका इस्तेमाल करने से कैंसर से होने वाली गांठ या ट्यूमर को खत्म करने में मदद करती है। यही नहीं, कैंसर का इलाज बिना किसी दर्द और तकलीफ के करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में रोजाना तुलसी 40 से 45 पत्ते और एक छोटी चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करने से मरीज को फायदा मिलता है। रोजाना कम से कम 1 ग्राम हल्दी का इस्तेमाल करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे जिस्म को मौसमी बीमारियों से लड़ने में ताकत मिलती है। इसके साथ ही हल्दी जिस्म में टीबी की बीमारी को बढ़ाने वाले हार्मफुल फैक्टर को खत्म करती है। अगर आपको मौसम बदलने पर अक्सर सर्दी, जुकाम और कफ की परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आप रोजाना रात को गर्म दूध में हल्दी को मिलाकर पीने की आदत बनाएं। कुछ ही दिनों में कफ कम होने लगेगा, क्योंकि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिससे सर्दी जुकाम में जल्द राहत मिल जाती है। सर्दियों के आते ही घर के बड़े बुजुर्ग लोग अक्सर जोड़ों में होने वाले दर्द से परेशान होने लगते हैं। ऐसे में अगर कच्ची हल्दी का 1 इंच टुकड़े को 1 गिलास दूध में उबालकर रात को सोने से पहले रोजाना पीने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। हल्दी जोड़ों के दर्द के अलावा डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी में भी बेहद फायदेमंद होती है। इसके लिए रोजाना 1 चम्मच हल्दी के पाउडर को 1 गिलास पानी के साथ दिन में 2 बार पीने से डायबिटीज में बार बार पेशाब की परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक हल्दी एक नेचुरल पेनकिलर होती है, इसलिए अक्सर चोट लगने पर घर के बड़े बुजुर्ग हल्दी वाला दूध पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो जिस्म में होने वाले दर्द के अलावा सूजन और बहते खून को बहने से रोकती है। आमतौर पर महिलाएं डिलीवरी के बाद पेट और कमर पर आने वाले स्ट्रेच मार्क्स को हटाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती हैं। ऐसे में रोजाना हल्दी को नारियल तेल में मिलाकर स्ट्रेच मार्क्स पर लगाने से कुछ हफ्तों में स्ट्रेच खत्म करने में मदद मिलेगी। अगर आपकी स्किन सनबर्न की वजह से टैन हो गई है, तो ऐसे में आप रोजाना हल्दी को शहद और एलोवेरा में मिक्स करके पेस्ट बनाएं और टैन हो चुकी स्किन पर लगाएं।
सूखने पर ठंडे पानी से साफ कर ले, आराम मिल जाएगा। हल्दी कैंसर और इम्यून सिस्टम के अलावा दिल की बीमारी के लिए भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला कर्क्यूमिन पार्टिकल्स जिस्म में खून के थक्के को बनने से रोकता है। इसके साथ ही खराब कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से बाहर करने में मदद करती है, जिससे दिल पर दबाव कम हो जाता है और वो आसानी से काम करने के काबिल रहता है। वैसे तो हल्दी का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल लीवर और किडनी स्टोन में कम मिकदार में ही करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल करने से बीमारी में इजाफा होने का खतरा बढ़ जाता है। लगातार ज्यादा हल्दी का इस्तेमाल करने से जिस्म में आयरन की कमी होने लगती है, जिससे अनीमिया यानी खून की कमी की बीमारी का खतरा हो सकता है। हल्दी का ज्यादा इस्तेमाल करने से मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल अनबैलेंस होने लगता है, जिससे शुक्राणुओं की संख्या में कमी हो सकती है। हल्दी का पीलिया में इस्तेमाल करना नुकसानदह हो सकता है, इसलिए पीलिया में हल्दी को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कैंसर के इलाज में ज्यादातर लोग कीमोथेरेपी का सहारा लेते हैं। अगर किसी का कीमोथेरेपी हो रहा है, तो ऐसे में हल्दी को इस्तेमाल करने से बचें। यह एक घरेलू उपाय है, लेकिन फिर भी इसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशविरा ले ले तो बेहतर रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और भी हर्बल टिप्स जानने के लिए आप हमारे चैनल वाजीदी हर्बल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टेक केयर योरसेल्फ।